जयपुर में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, तो वहीं राजधानी के सिंधी कैंप बस अड्डे पर हजारों यात्रियों की आवाजाही रहती है। वहीं एवन टीवी की टीम ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और क्या है या पानी के पीने के हालात सुने यात्रियों और रोडवेज के कर्मचारियों की जुबानी। और मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ अजमेर जयपुर बस स्टैंड पे। यहाँ पे हम पानी खरीद रहे हैं, ये हमें 10 रुपए की बोतल पैसे देके हम ले रहे हैं और यहाँ वाटर कूलर है उसमें पानी गर्म, जो पानी के नल लगे हैं उसमें पानी गर्म आ रहा है। तो या तो हमें ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि वो पानी भी फिल्टर्ड हो, हमें मजबूरी में ही खरीद रहे हैं क्योंकि वो फिल्टर्ड नहीं है पानी और गर्म भी आ रहा है। मैं तो कोटा से ही हूँ, मैं इधर करौली यहाँ जा रही हूँ सिरोही, पर यहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही गर्म है, यहाँ पे बिल्कुल पानी ठंडा नहीं है। यहाँ पे पानी कहीं पे भी ठंडा नहीं मिलता, ये जो पर्सनल बोतलें बेचते हैं वो ठंडा रहता है, उसमें भी गर्म रहता है। जो बेच रहे हैं 5 रुपये में बोतल भरते हैं उसमें भी गर्म होता है, मतलब चिल्ड पानी नहीं। 45 डिग्री का टेम्परेचर प्रदेश में गर्मी का दौर, लेकिन यहाँ पर सिंधी कैंप में यात्रियों को अभी भी ठंडा पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ पर अधिकतर वाटर कूलर या तो बंद पड़े हैं या फिर वाटर कूलर की जो क्षमता है वो कम होने से के कारण यहाँ पर यात्रियों को पानी पर्याप्त मात्रा में ठंडा नहीं मिल पा रहा है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर निजी व्यवस्था की तरफ से यहाँ पर कुछ भामाशाहों ने ठंडा पानी की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन लोगों को पैसे देकर ठंडे पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।